अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन रैप की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत आसान है और ये जल्दी झटपट बन जाने वाला है। चलो तो फिर हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो आपको पहले देखने को मिलेगी। ये रैप बहुत अच्छा है, बच्चों को आप लंच पे भी दे सकते हैं, बड़े जो हैं वो अपने जॉब पे भी ले जा सकते हैं, आप शाम के नाश्ते पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। बनाने से पहले हम आपको इसका इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि मैंने रैप लिया है, 4 रैप बड़ा साइज का है और 3 जो है वो थोड़ा छोटे साइज का है। छोटा वाला जो है व्हाइट उसमें है और बड़ा वाला जो है ब्राउन है। और मसाला कुछ ऐसा है, 1 चमची हमने चाइनीज नमक लिया है, 1 चमची हमने कश्मीरी मिर्च ली है, 1 चमची हमने गार्लिक पाउडर लिया है जो मैंने घर में बनाया है, 1 चमची काली मिर्च है, 1 चमची लाल कुटी हुई मिर्च है और 1 चमची हमने नमक लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट है को मैंने लंबाई में काटा है, ये तकरीबन 300 ग्राम है। आप थाई वाला पीस भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। हाफ येलो कलर की शिमला मिर्च है, हाफ ग्रीन कलर की है और हाफ रेड है, ये भी हमने इसको लंबाई में काटा है सबको। पिकल है, केचप है, 2 मीडियम साइज की प्याज है लंबाई में कटी हुई। इसको बनाने के लिए तेल है, मेयो है, 2 चमच सफ़ेद सिरका है और 2 चमच मैंने सोया सॉस लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। चिकन को हम यहाँ प्याले में डालेंगे। चिकन मैंने ये प्याले में डाला है, अब ये सारा मसाला मैं इसमें मिक्स करूंगी। कुछ देर के लिए इसको हम रखेंगे। सोया सॉस का कलर अगर तेज है तो कम डालिएगा और अगर ज़्यादा तेज नहीं है तो आप 2 चमचा भी डाल सकते हैं, मेरे लिए 1 चमचा काफ़ी था। 2 चमचा सिरका है, ये मैं 2 डाल दूंगी। से 20 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रखूंगी, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट। मैरिनेशन के बाद दूसरा स्टेप, चूल्हा मैंने ऑन किया, अब इसमें ऑयल डालूंगी और तेल जो है मैं 2 चमचा डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। तेल भी हल्का गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। 15 मिनट हो चुका था मुझे मैरिनेट किए हुए। बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर इस सारी सब्जियां डालूंगी। इसको ज्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल क्रंची रखना है, ये प्याज डाल देती हूं। अब ये हो चुका है, इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, तो ऑफ कोर्स इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। चलिए ये हो गया है, अब हम इसका रैप बनाना शुरू करते हैं। चलो तो रैप को अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इस पर केचप लगाऊंगी। केचप भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेयो का भी यही है, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। एक 2 पीस पिकल का रख दूंगी। देखिए ये रैप मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा सेकूंगी,
छोटे बच्चों के लिए मैंने छोटा बनाया है, ये देखिए, और बड़ों के लिए बड़ा है। वैसे बड़े बड़ा वाला भी छोटे खा सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा टोस्ट कर दूंगी। इसमें हमने सिर्फ एक चमची के बराबर तेल डाला है, ज्यादा नहीं डालना इसमें। रैप तैयार हो चुका है, इसको डिश आउट भी कर लिया है और इसकी कटिंग भी कर लिया है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ, और टेस्ट करने के लिए मैं अपने पोते को बुलाऊंगी। गौर मियां, आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप टेस्ट करके बताइए कौन सा करना है आपको, छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला कर लीजिए बेटा। पहले आप टेस्ट कीजिए। दादू बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे फ्रेंड्स को भी ट्राई कराना। जरूर जरूर लेके जाना बेटा जी। और कल लंच पे भी तुम ये लेके जाओगे। ओके ओके, अच्छा लगा मेरे बेटे को जी? बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थी है। ओके, बहुत क्रंची है। और बताओ क्या है, सब ठीक है जी? चले तो मेरे पोते ने पास कर दिया है, आप लोग भी इसको ट्राई करें और जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना। दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। एक सेकंड, आपने नहीं ट्राई किया है? अच्छा, मुझको भी ट्राई करना है जी। चलिए, मेरा पोता कहता है तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। कैसा है? बहुत अच्छा बेटा, बात में बहुत अच्छा है। तुम लोग खाओगे, अपने दोस्त को खिलाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।